आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023 और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है आज का क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि भाई हमारे एक वन ऑफ द पार्टनर ने कंपनी से कुछ पैसा विड्रॉ करा है और वो अमाउंट है 9000। उसने यहाँ पे जो पैसा है 9000 विड्रॉ करा है वो करा है क्वार्टरली, लेकिन क्वार्टरली के केस में यहाँ पे कहते हैं ही विड्रॉ द 9000 एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। अब हमें यहाँ पे कहा गया है कि 6% का हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है, लेकिन एवरेज मंथ क्या आएगा वो हम यहाँ पे सीखते हैं। आपको नॉर्मली तो पढ़ा दिया गया होगा कि यहाँ पे हमें चार्ज करना है 4.5 डिवाइड बाय 12, लेकिन ये आएगा कैसे उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखो सिंपल सा है कि एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं हमारे पास उसको फाइंड आउट करते हैं। तो जनवरी से अप्रैल में हमारा सेशन शुरू होता है और मार्च में खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर। तो हमने यहाँ पे क्या करा है इनको क्वार्टरली डिवाइड करते हैं। पहले जो एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 3 महीने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अप्रैल से जून तक हो गया हमारा फर्स्ट क्वार्टर, फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक हो गया हमारा सेकंड क्वार्टर, फिर अक्टूबर से दिसंबर तक हो गया हमारा थर्ड क्वार्टर, फिर जनवरी टू मार्च हो गया हमारा फोर्थ क्वार्टर। अब ये चार क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर के एंड में उसने पैसा निकाला है, राइट। यानी कि जून में निकाला था, ये पहला क्वार्टर स्टार्ट हुआ अप्रैल में, फिर इसने खत्म का हुआ जून में, यानी कि जून के एंड में पैसा निकाला है। फिर इसी तरह सेकंड क्वार्टर के एंड में उसने पैसा निकाला है, यानी सितंबर में, फिर दिसंबर के एंड में निकाला है और फिर मार्च में। तो टोटल आप चेक कर पा रहे हो जो उसने 9000 रुपए निकाले हैं, 9000 रुपए वो कितनी बार निकाले हैं, 4 बार निकाले हैं, यानी कि 4 क्वार्टर, ठीक है ना। तो यानी कि कितना पैसा निकल गया यहाँ पे हमारे पास, जो पैसा विड्रॉ करा गया वो 36000 रुपीज करा गया है, राइट। टोटल अमाउंट तो 36000 करा गया है। अब इस पे इंटरेस्ट लगाना है। इंटरेस्ट कितना लगाने के लिए कहा क्वेश्चन में, कहा गया है कि 6% चार्ज करो, ठीक है 6% हम चार्ज करेंगे, लेकिन इसके साथ एवरेज मंथ अब क्या आएगा। एवरेज मंथ निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आप नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास एवरेज मंथ, यहां पे मैं लिख भी देता हूं एवरेज मंथ, मेरे साथ साथ इसे नोट कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा। एवरेज मंथ इक्वल्स टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस, यहीं पे इसे प्लस करते हैं, ठीक है, प्लस इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि एक ही इसमें आ जाए कंप्लीटली, ये हो गया। तो फॉर्मूला अभी तक हमने जो लिखा वो लिखा है एवरेज मंथ इक्वल्स टू मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, और उसके बाद हमें लिखना है मंथ्स लेफ्ट, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइड बाय टू। अब ये फॉर्मूला बना गया हमारे पास कि भाई हमने जब पहली बार पैसा निकाला था उसके बाद कितने महीने रह गए, और जब आखिरी बार पैसा निकाला था उसके बाद कितने महीने रह गए, दोनों को ऐड करो और डिवाइड बाय टू। तो चेक करते हैं यहाँ पे फटाफट से कि भाई जो हमने पहली बार पैसा निकाला था तो हमने कब निकाला, फर्स्ट क्वार्टर के एंड में निकाला, यानी कि जून में पैसा निकाला गया, राइट। तो जून में जब पैसा निकाला तो उसके बाद कितने महीने रह गए, भाई जून में पैसा निकालने के बाद हमारे पास रह गए जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी टोटल हो गए हमारे पास 9 महीने, ये बनते हैं 9 महीने। तो यानी कितने महीने रह गए थे फर्स्ट ड्राइंग के बाद, 9 महीने, प्लस कितना करना है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब आखिरी बार पैसा निकाला तो उसके बाद कितने महीने रह गए। तो मार्च में जब हमने पैसा निकाला तो 31 मार्च में निकाला होगा, एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर, यानी कि लास्ट में निकाला होगा। तो यानी कि जब 31 मार्च को पैसा निकाला तो उसके बाद कोई महीना रह गया, नहीं रह गया। तो प्लस क्या करेंगे 0 डिवाइड बाय 2, इस तरह से आ गया हमारे पास 4.5। तो यानी कि जो एवरेज मंथ हम यहाँ पे यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए वो कितना करेंगे, हम वो करने वाले हैं 4.5, ठीक है, डिवाइड बाय 12। 12 क्यों कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, जितने भी पूरे साल में मंथ्स होते हैं उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे इसे फटाफट से पूरा पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 810 रुपीज, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पर निकल गया, और जो कि बहुत ज्यादा ईजी था। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा, समझ में आएगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन यहाँ पे मिलते हैं चैप्टर वाइज, जिसमें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, साथ साथ अकाउंटेंसी के अलावा बिजनेस और स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी हम यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं वीडियो के थ्रू भी और शॉर्ट्स के थ्रू भी। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।